आई नो आप में से काफी सारे लोगों को इस ईयर मनी इन द बैंक शो का बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा होगा। वैसे मनी इन द बैंक का शो काफी ज्यादा कमाल का और एक्साइटिंग रहता है क्योंकि यहाँ पर होते हैं मेंस और वुमेन्स के मनी इन द बैंक के लैडर मैचेस और हम लोग काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि भाई कौन से सुपरस्टार इस ईयर इस ब्रीफ केस को जीतेगा। और वैसे इस ईयर थोड़ा और स्पेशल होने वाला मनी इन द बैंक का शो क्योंकि यहाँ से एक बार फिर लाइव फैंस की रिटर्न WWE के अंदर होगी। और भाई आज WWE ने खुद इस बात को टीज कर दी कि कौन होने वाला पॉसिबली मेंस का मनी इन द बैंक के लैडर मैच का विनर कौन सा वो सुपरस्टार होगा। बात WWE ने खुद लीक कर दी है, क्या वो मैकइंटायर है, क्या वो रिकोशे हैं, क्या वो रिडल हैं या फिर वो सुपरस्टार बिगी है। साथ ही में आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए भी WWE ने रोमन रेंस का जो सेगमेंट है वो कर दिया ऑफिशियली कंफर्म। पुराने वाले बैरन कॉर्बन की भी एक बार फिर हो सकती है WWE के अंदर वापसी, जो थे अपने लोन वुल्फ। जो WWE का थंडर डोम के अंदर फाइनल शो होने वाला है वो रॉ के एपिसोड का लाइव शो नहीं होगा। और साथ ही में रिडल ने भी रिसेंटली माफी मांगी है अपने रैंडी ऑर्टन से जब वो फेल हो गए रैंडी ऑर्टन को क्वालिफाई करवाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो का शुरू करते सबसे पहले अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के साथ में। और जो आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड है वो स्मैकडाउन का WWE की तरफ से एक और धांसू और कमाल का एडिशन होगा। पिछले हफ्ते एक सरप्राइज रिटर्न हुई अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज की, उन्होंने आते से रोमन पर अटैक किया और अब WWE ने मनी इन द बैंक शो के लिए रोमन रेंस वर्सेस एज फर्स्ट टाइम एवर सिंगल्स मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी अनाउंस कर दिए। लेकिन भाई WWE आज सुबह सुबह हमें जो रोमन रेंस का आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर सेगमेंट होगा वो भी अनाउंस करते हुए नजर आते हैं। WWE रिसेंटली प्रमोशनल वीडियो में जारी करते हुए नजर आती है आने वाले स्मैकडाउन के शो की, जहां पर ये बात बताते हैं कि आने वाले शो के अंदर केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का आमना सामना होगा एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर और ये मैच मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होगा। साथ ही में जब अचानक से पिछले हफ्ते सरप्राइज रिटर्न हुई एज की, उन्होंने आकर हमला किया, उन्होंने चैलेंज किया एक बार फिर रोमन रेंस को, तो हेड ऑफ द टेबल का जो रिस्पॉन्स है वो हमें पता लगेगा आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर, क्योंकि मे बी एक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। मे बी जो रोमन रेंस है वो हमें एज को कॉल आउट करते हुए नजर आ सकते क्योंकि ट्राइबल चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। तो लग ऐसा रहा भाई आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर मे बी एक फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है जिसे डेफिनेटली मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस हमें इंटरप्ट करते हुए नजर आएंगे कि भाई एज तू रहने दे, ये जो मौका यूनिवर्सल टाइटल का वो मेरे लिए था ना कि तेरे लिए। और भाई यहाँ पर जो रोमन रेंस है हो सकते सिचुएशन से थोड़ा बाहर सा हो जाए और WWE एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो फ्यूड है वो टीज करती हुई नजर आए। ओवरऑल मजा आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर देखना ये होगा क्या होता है रिस्पॉन्स अपने ट्राइबल चीफ का, क्या वो हमला करते हैं एज के ऊपर या फिर नहीं। अगर ब्रॉल होती है तो भाई सही में आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी अपने पुराने राजा साहब किंग कॉर्बन नहीं बल्कि अब के बैरन कॉर्बन के बारे में। और फाइनली शिंच के नाकामुरा में बैरन कॉर्बन से उनका जो ताज है भाई वो ले जाते हुए नजर आए, जो कि मेरे हिसाब से करियर के लिए बैरन कॉर्बन के काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि भाई रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े र्यूमर्स आ रहे हैं सामने और र्यूमर्स का मानना ये है कि मे बी अब WWE प्लानिंग कर रही है पुराने बैरन कॉर्बन के रिटर्न की। और भाई जो पिछले हफ्ते का स्मैकडाउन का शो था जहां पर शिंच के नाकामुरा अपने आप का यू नो जो पूरे क्राउन की ताज पोशी है वो करते हुए नजर आते हैं, तो WWE बैक स्टेज के ऊपर में सेगमेंट भी दिखाती है जहां पर इस चीज को देखकर बैरन कॉर्बन काफी ज्यादा निराश है। वो कहते हैं लगता है ऐसे कि अब मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं स्मैकडाउन के अंदर और मेरा करियर एक खत्म सा हो गया, एक तरह का थम सा गया है क्योंकि मेरे पास मेरा जो क्राउन है वो नहीं रहा। अब लग ऐसा रहा भाई WWE बैरन कॉर्बन के करेक्टर चेंज के बारे में सोच रही है और पॉसिबली र्यूमर्स का ये मानना है कि बैरन कॉर्बन का जो लोन वुल्फ वाला करेक्टर है मे बी वो वापस आने वाला है। WWE बैरन कॉर्बन को कुछ टाइम के लिए टेलीविजन से बाहर रखते हुए नजर आते क्योंकि जानते भाई हम लोग अभी फिलहाल बैरन कॉर्बन अपने गंजे हैं तो बॉल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जो टाइम है WWE देना चाहेगी बैरन कॉर्बन को कि भाई आप एक बार फिर से अपने पुराना वाला जो लोन वुल्फ वाला करेक्टर है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बेस्ट वर्जन है बैरन कॉर्बन का, उसको अगर WWE वापस लाएगी तो डेफिनेटली कॉर्बन के करियर के अंदर हेल्प करेगा। अगर मैं बताऊं जब बैरन कॉर्बन लोन वुल्फ वाले करेक्टर के अंदर आए थे ना WWE में और मेन रोस्टर के अंदर आके उन्होंने डेब्यू किया था, मुझे लगा था भाई हाँ इस बंदे को चैंपियनशिप देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो भाई बाल बूल कटवा के सीधा कॉन्स्टेबल कॉर्बन या फिर किंग कॉर्बन बन जाते हैं क्या कहूँ भाई, मुझे तो फिर लगा कि इनको WWE के अंदर ही क्यों रखा गया। लेकिन लग ऐसा रहा जब उनका लोन वुल्फ वाला करेक्टर एक बार फिर वापस आएगा मजा आने वाला है जब बैरन कॉर्बन लोन वुल्फ करेक्टर इज कमिंग बैक। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, ये जुड़ी है अपने रिडल के बारे में जिन्होंने आज रॉ के एपिसोड के अंदर अपने जंतोजहद पूरी लगा दी, उन्होंने अपना पूरा ट्राई किया कि वो अपने ब्रो रैंडी ऑर्टन को करवा सके क्वालिफाई, लेकिन बेचारे कहां सक्सेसफुल हो पाते हैं और मैं रिडल जैसे क्यों बोल रहा हूं मुझे खुद अंदाजा नहीं है, लेकिन भाई होता क्या है आज जो रॉ का एपिसोड है वहां पर रिडल बेचारे भाई 1000% अपना ट्राई
ट्राई करते हैं कि वो क्वालिफाई करवा पाएं अपने रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन शो पर क्यों नहीं थे अभी तक, इसका जो रीजन है एग्जैक्ट वो रिवील नहीं हुआ है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जानबूझ के जो आरके ब्रो वाली स्टोरी लाइन है उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है। अब रिडल जब बेचारे क्वालिफाई नहीं करवा पाए जबकि उनकी जो टांग है वो टूट गई थी, और भाई उसके बाद भी रिडल ने आके चोटिल एक तरह का रेसल किया था मैच के अंदर, वो अलग बात है मैकइंटायर की आखिरी में जीत होती है, लेकिन भाई 1000% एक एफर्ट रिडल ने इस मैच के अंदर जरूर दिया। और इसके बाद जो रिडल है वो हमें सॉरी भी कहते हुए नजर आते अपने रैंडी ऑर्टन से कि भाई वो उन्हें क्वालिफाई नहीं करवा पाए। और भाई जो रिडल है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हमें सॉरी भी कहते हुए नजर आते रैंडी ऑर्टन से, वो करते क्या वो हमें स्टोरी पोस्ट करते हुए नजर आते, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू की रीपोस्ट होती है वो हमें करते हुए नजर आते स्टोरी के अंदर, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू बताती है कि जो फाइनल स्पॉट वाला मैच है वो मैकइंटायर ने जीत लिया और वो हो चुके क्वालिफाई, और रिडल यहां पर सॉरी ब्रो करके हमें एक इमोशनल इमोजी पोस्ट करते हुए नजर आते कि भाई रैंडी ऑर्टन सॉरी मैं तुम्हें क्वालिफाई नहीं करवा पाया, मैं तुम्हें उस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर नहीं ले जा पाया। जरूर रिडल ने यहां पर भाई कोशिश की, लेकिन देखने में मजा आएगा अगले हफ्ते किस तरीके से इस चीज को लेकर रैंडी ऑर्टन रिस्पॉन्स देते हैं। और भाई डेफिनेटली आरके ब्रो रॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू के थंडर डोम के फाइनल शो के बारे में, जो कि हमें जुलाई के महीने में दिखाई देगा, क्योंकि जुलाई के अंदर एक बार फिर से हमें लाइव फैंस के रिटर्न दिखाई देगी। वैसे अगर मैं बात करूं जो फाइनल शो होना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू का थंडर डोम के अंदर जो कि लाइव शो कहलाएगा, वो होना चाहिए था मंडे नाइट रॉक एपिसोड, जो कि हमें 12 तारीख को इंडिया के अंदर 13 जुलाई को होता हुआ नजर आता है, क्योंकि भाई उसके बाद हमें स्मैकडाउन का शो दिखाई देगा जो कि 16 जुलाई का स्मैकडाउन होगा, वो लाइव फैंस के साथ होगा। उसके बाद मनी इन द बैंक आएगा और उसके बाद रॉक के अंदर भी हमें लाइव फैंस वापस आते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई इसको लेकर रिसेंटली रेसल वोट्स की तरफ से एक न्यूज रिवील होती है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और रेसल वोट्स ये बात रिवील करते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू का फाइनल लाइव शो होने वाला थंडर डोम के अंदर वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एडिशन होगा, और जो 9 जुलाई का स्मैकडाउन का शो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू का फाइनल लाइव शो होने वाला, और जो 12 तारीख का मंडे नाइट रॉक एपिसोड होगा डब्ल्यूडब्ल्यू हमें इसे एक हफ्ते पहले ही टीवी टेप करते हुए नजर आएगी। मेरे हिसाब से रीजन ये होगा क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को तैयारियां करनी है जब लाइव फैंस एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर आएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर अपना 100% देना चाहेगी, यहां पर कोई गलती नहीं करना चाहेगी, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस रॉक एपिसोड को पहले ही टेप करती हुई नजर आएगी। बाकी देखते हैं भाई, इसके जो स्पॉयलर्स हैं ऐसा ना हो पहले से लीक हो जाए, वरना जो फैंस का मजा जरूर वो एकदम कह सकते हो बेकार सा होने वाला। और मेरे हिसाब से फाइनल शो का मनी इन द बैंक शो से पहले मनी इन द बैंक पेपर व्यू से पहले तो डब्ल्यूडब्ल्यू जरूर ट्राई करेगी कि स्पॉयलर्स किसी भी हालत में लीक ना हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी डब्ल्यूडब्ल्यू के मनी इन द बैंक 2021 के शो के बारे में, जो कि इस ईयर थोड़ा और स्पेशल होगा क्योंकि यहां से लाइव फैंस की वापसी एक बार फिर से रॉ और स्मैकडाउन के शो के अंदर होगी। अगर मैं बात करूं मनी इन द बैंक के पेपर व्यू की तो ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस शो के लिए। यहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच, कुछ अच्छे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले कंफर्म कर दिए। और अगर मैं बात करूं इस ईयर मिस्टर मनी इन द बैंक 2021 के लैडर मैच की तो जो पार्टिसिपेंट्स कंफर्म हुए वो हैं अपने ड्रू मैकइंटायर, वो हैं अपने रिडल, वो हैं रिकोशे, वो हैं जॉनी ड्रिप ड्रिप जॉन मॉरिसन, और वो हैं अपने न्यू डे के पावर हाउस बिगी। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू रिसेंटली इस बात को लीक करते हुए नजर आते कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा किसके चांसेस है कि वो हमें इस लैडर मैच को जीतता हुआ नजर आएगा। जब डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से कुछ घंटे पहले अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें एक फोटो पोस्ट करती हुई नजर आती, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर स्पेशली बिगी को मेंशन करती है और वो कहते हैं कि आप लोग अपने फ्यूचर मनी इन द बैंक के विनर को देख रहे हो। और इसके बाद रूमर्स आ रहे हैं सामने कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हां बिगी का जरूर चांस है कि वो हमें इस ईयर मिस्टर मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीतते हुए नजर आए। वैसे काफी ज्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पेशली बिगी को मेंशन किया जब ये रूमर्स आ रहे थे सामने कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जो है मे बी एक ऐसी स्टोरी लाइन प्लान कर सकती है कि बिगी हमें मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को जीतते हुए नजर आए, वो कैश इन करें लैशली के ऊपर और समर स्लैम के अंदर बिगी न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए। अब इस टाइम जब ये वाले रूमर्स आ रहे हैं सामने डब्ल्यूडब्ल्यू के, जो ये पोस्ट है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यूबल रहेगी, और भाई देखने मजा आने वाला कि क्या होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले मनी इन द बैंक के शो के अंदर, क्या सही में बिगी इस मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीत पाएंगे या फिर नहीं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सही में बिगी को जिताने वाले, क्या आप लोग खुश होंगे अगर बिगी बनते हैं इस ईयर मनी इन द बैंक 2021 के विनर। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।